मित्रों, हमने आजादी के बाद गणतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव है। कोई कहेगा कि 15 अगस्त सन 47 को और संविधान की स्वीकृति के 50 के बाद अगर लोकतंत्र आया है तो सही नहीं है। लोकतंत्र हमारे प्रजा मन का एक स्वभाव। पहले भी गांव में पंच परमेश्वर कहते थे। हजारों साल पहले द्वारिका में यादवों का गणराज्य चलता था। बिहार के अंदर कई सारे गणराज्य थे और लोकतंत्र ये हमारे देश का स्वभाव है। मगर एक तरह से सोचे तो हमने लोकतंत्र को आजादी के बाद अपनाया। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल आता है तो सीधा कानून और व्यवस्था से के साथ जुड़ता है। लोकतंत्र का मतलब कोई पार्टियों को वोट देना और पार्टियों की सरकार बनाना नहीं है, तो व्यवस्था का एक हिस्सा है। लोकतंत्र का साफल्य क्या है? लोकतंत्र का फल क्या है? लोकतंत्र का फल है कि 130 करोड़ लोगों को अपनी अपनी क्षमता और बुद्धि के अनुसार अपने आप को विकसित करने का मौका मिले और 130 करोड़ नागरिकों के विकास की क्यूमुलेटिव इफेक्ट का फायदा देश को मिले और देश का विकास हो, वही लोकतंत्र है। और अगर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। सफल लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में उसको जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार निर्बाध रूप से उसको मिलते रहे। कानून ने जो कर्तव्यों को, संविधान ने जो कर्तव्यों को स्पिरिट से उस पर डाला है उसका भी वो निर्वहन करता रहे और ये दोनों को मिल मिलाकर देश का विकास आगे बढ़ता रहे।